हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी फाइल चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो कैब और ईडियम फ्रेज का पार्ट 4। तो इस वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छे मैंने वर्ड मीनिंग्स और ईडियम फ्रेज पूछे हैं, जो एसएससी ने भी कई बार पूछे हैं इस प्रीवियस ईयर के अंदर। और इसके अलावा मैं आपको और भी नए वर्ड्स बताऊँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि माय नेम इज़ कपिल सैनी, और पहला वर्ड है सुरुपटेटियस। सुरुपटेटियस का मतलब क्या होता है? सीक्रेट, ठीक है ना, जो चीज़ सीक्रेट हो। है सुरुपटेटियस ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब होता है झलक। सुरुपटेटियस ग्लैंस मतलब वो एक झलक देखता है, धीरे से किसी चीज़ को देखता है, ठीक है ना, दुपक्कर इस तरह से बोल सकते हैं हम। दूसरा है इनएनिएशन। इनएनिएशन का मतलब होता है लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब क्या होता है? आलसी, ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं लैक ऑफ मेंटल और एंथुसियास्टिक। तो इनिएशन हम ओल्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं, जो बूढ़े होते हैं, ठीक है। तो इनिएशन जैसे मैंने एग्जांपल के साथ भी समझाया हुआ है, सी वाज थिंकिंग डैट ओल्ड एज ब्रेड इनिएशन। वो सोच रही थी कि जो ओल्ड एज होते हैं वो क्या होते हैं? आलसी होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक वर्ड होता है इनएन, INANE। इनएन का मतलब होता है सिली क्वेश्चन पूछना, ठीक है, इनएन। और जो इसी से रिलेटेड कुछ आपको कंफ्यूज करेगा वो होगा एक इनसेन, INSANE, इनसेन। इनसेन का मतलब होता है पागल। ये आप याद रखिए और किसी कॉपी में आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और इनसेन पागल होता है। अगर जो वर्ड आता है सेन, SANE, सेन होता है जो पागल ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। इम्ब्रोग्लियो, इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है कन्फ्यूज। जो पर्सन कन्फ्यूज हो या किसी फुल प्रॉब्लम के अंदर फंसा हो। तो सेंटेंस आप पढ़ लीजिए, अगर जो आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको एग्जांपल के साथ समझाए हुए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको वर्ड तो आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जब पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसके अंदर जब वर्ड आते हैं तो हमको समझ नहीं आता है कि इस वर्ड में यहाँ मतलब क्या कह रहा है। तो इसलिए मैंने एग्जांपल के साथ भी आपको समझाया गया, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको हेल्प कर सकते हैं, क्लोज टेस्ट में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत से फ़ायदे होते हैं अगर जो आप एग्जांपल के साथ वर्ड्स को याद की करेंगे तो। नेक्स्ट है बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट का मतलब होता है लिगेसी, मतलब कोई पर्सन जब मर जाता है तो वो अपनी जायदाद किसी को देके चला जाता है, मरने से पहले दे देता है जायदाद, तो उसे बोलते हैं बिक्वेस्ट कर देना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एडम सेल। एडम सेल का मतलब होता है पानी। नेक्स्ट है एट योर विट्स एंड। ये इडियम्स है एट्स योर विट्स एंड, जब कंफ्यूज हो जाता है पर्सन या पजल हो जाता है तो उसे बोलते हैं एट्स योर विट्स एंड। नेक्स्ट है एबियंस। एबियंस का मतलब होता है सस्पेंस में किसी चीज़ को रखना, एबियंस है मतलब, या आपको किसी चीज़ के लिए वेट करना पड़ रहा है, आपको स्टेट ऑफ वेटिंग में है या होल्डिंग में है, उसे आप एबियंस बोलते हैं, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक वर्ड है आपको मैं बता देता हूँ, आपको कभी कंफ्यूज ना हो, एम्बियंस, AMBIENCE, एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब होता है एटमोसफेयर, कि आपने सुना होगा आपके यहाँ का एम्बियंस कैसा है, एटमोसफेयर कैसा है, सही है, वातावरण। डोंटलेस होता है बहादुर, इसी का ही एक ऑपोजिट होता है डोंट, DAUNT, डोंट। डोंट का मतलब क्या होता है? जो डरपोक हो, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का होता है सीक्रेट, जैसे क्लैंडेस्टाइन लव अफेयर्स। इंट्रिपिड, इंट्रिपिड का मतलब होता है बहादुर, जो डरे ना, इंट्रिपिड। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है आपको कंफ्यूज जो करेगा वो है इंसिपिड, INSIPID, इंसिपिड। इंसिपिड होता है बेसुआद, जो टेस्टलेस हो, ठीक है। तो नेक्स्ट फ्रेज पे बढ़ते हैं। टू स्टील ए मार्च। टू स्टील ए मार्च होता है आउटसाइन करना या किसी की एडवांटेज ले लेना। नेक्स्ट फ्रेज है इन अ जिफी। इन अ जिफी होता है किसी काम को जल्दी करना, सही है, इन अ जिफी। तो ये कुछ वर्ड्स और ईडियम फ्रेज थे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम के अंदर। और मैंने इसमें आपको अलग से भी चीज़ें समझाई हैं जो आप उनको भी अलग से याद कर सकते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज भी कर सकते हैं आपको कुछ वर्ड, कि हाँ इसका मतलब ये हो सकता है और इसका मतलब ये हो सकता है,
ठीक है, इसलिए मैंने आपको अलग से कुछ वर्ड भी इसमें ऐड किए हैं। तो आप धीरे धीरे मैं इसमें वर्ड बढ़ाता रहूँगा, तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लेकर अपने कमेंट्स भी देते रहें, ठीक है। इट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव दिस वीडियोज़ और आने वाली कुछ वीडियो जो मैं डालूँगा अपने चैनल पे, उसमें भी मेरे को ये हेल्प करेंगी और आपको भी हेल्प करेंगी लर्न करने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।